आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के लाइफ स्टाइल के बारे में, ठीक है। तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर में कि एनिमल्स के लाइफ स्टाइल के बारे में क्या है, एनिमल कैसे ब्रीदिंग करते हैं, कैसे फीड करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह कैसे वो चलते हैं, कैसे उनका मूवमेंट होता है, और माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह कैसे वो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें टॉपिक को, ठीक है। तो एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर, मतलब क्या, एनिमल हमको एनिमल्स सब जगह पे मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंड पे मिलता है, वाटर पे मिलता है, और एयर में भी मिलता है। आप बताओ एयर में कौन सा एनिमल मिलता है? बर्ड मिलता है। तो सिंस एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग, ईच वन हैज इट्स ओन लाइफ स्टाइल। तो देखो, कोई कोई एनिमल पानी में रहता है, कोई लैंड में रहता है, तो कोई एयर पे रहता है, तो उन लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो भी अलग अलग ही होगा। जैसे कि हम जो खाते हैं वो तो उनको नहीं मिलेगा, जो समुद्र के अंदर चले जाते हैं, फिर पानी के अंदर चले जाते हैं, उनको तो वो नहीं होगा। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किसके किसके कैसे कैसे लाइफ स्टाइल है, ठीक है। द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब क्या, जो छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे चीज़ होता है जिसको हम आग से देख भी नहीं पाते, ठीक है। और इंसेक्ट्स, इंसेक्ट तो मतलब आपको पता है जो कैटरपिलर होता है, जो ग्रासहॉपर होता है, वो सब मॉस्किटोज होता है, वो सब क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, फिश होता है, एम्फीबियंस होते हैं, एंड मामल्स। वो आपको तो पहले जो फोर्थ क्लास का चैप्टर था साइंस में, वो सब यहीं पे था। तो इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एनिमल्स डिफर इन शेप्स एंड साइज। तो किसी जानवर जो होता है, किसी का साइज बहुत छोटा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है। जैसे कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन जो चींटी होता है वो कितना छोटा होता है, वैसे ही सबका साइज अलग अलग होता है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स, बिहेवियर एंड हैबिट्स। मतलब क्या, उनका जो बॉडी होता है, उनका नया नया फीचर्स होता है। जैसे कि क्या, आपको पता होगा कि हमारा लंग्स होता है, तो किसी किसी का लंग्स नहीं होता है। जैसे फिश का क्या लंग्स होता है क्या नहीं होता है? तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम अगर सी वाटर में जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन जो शार्क होते हैं, व्हेल होते हैं, वो अपने आप ही, मतलब उनका क्या, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा बना होता है कि वो सी पे रह जाते हैं, ठीक है। तो दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर फीडिंग, ब्रीदिंग, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो वो जो एनिमल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, फीडिंग होता है। फीडिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट वो को, जैसे कि गोट होता है वो क्या, घास फूस खाता है, लेकिन वो जो टाइगर होता है वो क्या, मांस खाता है, मच्छी खाता है, तो वो नॉन वेज खाता है। तो और गोट जो होता है वो वेज खाता है, समझ में आया। फिर उनका जो ब्रीदिंग होता है, कोई अपने गिल से ब्रीथ करता है, कोई अपने लंग्स से करता है, समझ में आया। फिर मूवमेंट मतलब देखिए, जो स्नेक होता है वो कैसे, अब पूरा अपने बॉडी को लेके चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने पैरों पे चलते हैं, समझ में आया। कि तो ब्रीदिंग, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन का ऑर्गन भी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एंड एनिमल्स। तो क्या दिया है, दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर फीडिंग, ब्रीदिंग एंड मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एंड एनिमल्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है क्या है? तो वो मतलब क्या, एक मतलब जो एनिमल होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होता है। जैसे कि हमारा नाखून है अपने एनिमल्स से बचने के लिए, ठीक है। तो वैसे कोई भी फीस होता है जिनका क्या, वो अगर आप उनको छूले तो करंट लगता है, और जो गिल्स होता है उससे अगर हम मछली को पकड़े हुए तो फिसल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब अपने अपने एनिमल से बचने के लिए सबका अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो इन दिस लेसन वी विल स्टडी हाउ द एनिमल्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। मतलब क्या, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स को कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे फीड करते हैं, और कैसे मूवमेंट करते हैं, आर सुइटेड टू देयर एनवायरमेंट। मतलब अपने एनवायरमेंट की तरह कैसे कैसे अलग अलग जानवर का अलग अलग सब चीज़ होता है, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रीदिंग इन एनिमल्स, के एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो हर तरह के एनिमल होते हैं, वो मतलब जैसा भी वो एनिमल हो, अपने अंदर क्या ऑक्सीजन लेता है, और छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। जैसे कि हम भी तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी ऑफ एनिमल। तो हमारा जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी पर हम लेते हैं, वो किस काम का लगता है, वो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज
burn the food within their bodies and release energy for doing various activities. जो तो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या हमारे जो फूड होता है उसको बर्न करके फूड से एनर्जी निकालता है, कौन? ऑक्सीजन, ठीक है, और एनर्जी निकाल के अपने हर हर बॉडी पार्ट में भेज देता है. समझ में आया? तो एनिमल्स गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग. तो ऑक्सीजन कैसे हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं? जो फिश होता है वो क्या वाटर से लेता है. समझ में आया कि नहीं? लैंड्स एनिमल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो ये आता है. वेयर एज एक्वेटिक एनिमल्स गेट इट फ्रॉम वाटर, ठीक है. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग. तो अलग अलग एनिमल का अलग अलग सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग होता है, ठीक है. तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग. तो क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए, ठीक है. द सिंगल सेल एनिमल लाइक एमोइबा ब्रीथ थ्रू दैट बॉडी सरफेस. तो देखिए, जो सिंगल सेल एनिमल क्या होता है, दो तरह के एनिमल होते हैं, मल्टी सेलुलर और क्या जो होता है सिंगल सेल वाला एनिमल, ठीक है. जो सिंगल सेल मतलब क्या, उनका बॉडी एक ही सेल से बना हुआ होता है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनका क्या, बहुत सारे सेल को मिला के उनका बॉडी तैयार होता है. जैसे कि हम है, फिश है, टाइगर है, वो सब क्या मल्टी सेलुलर मतलब ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है. तो ये जो एमीबा है वो क्या सिंगल सेल्स है, इसीलिए मतलब वो कुछ इस तरह अजीब सा कुछ ऐसा 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 दिखता है, ठीक है. तो वो जो है एमोइबा, तो वो किसे अपना ब्रीथ करता है, वो क्या करता है अपने सरफेस से अपना ब्रीथ करता है, ठीक है. अपना जो बॉडी सरफेस होता है वो ऐसे 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 जेली जेली तरह का होता है, ठीक है. तो ऐसे ऐसे जाएगा तो अपने जो नीचे वाला जो बॉडी उसका सरफेस होगा उससे वो क्या ब्रीथ करता है, ठीक है. इंसेक्ट्स आर स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल्स, ठीक है. तो इंसेक्ट जो होता है उनका स्पाइरिकल से वो क्या ऑक्सीजन लेते हैं. आपने अगर कभी किसी को मरा हुआ कॉकरोच को देखा होगा तो आप उसका अगर अच्छे से आपको देखेंगे तो आपको उसका स्पाइरिकल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कॉकरोच का. तो देर आर ओपनिंग्स अलॉन्ग द साइड ऑफ द इंसेक्ट बॉडी थ्रू व्हिच द इंसेक्ट ब्रीथ इन एयर. तो मतलब ये जो देखिए ये जो इंसेक्ट का दिया है स्पाइरिकल्स, तो इससे क्या करता है वो जो एयर होता है उनके बॉडी के अंदर जाता है और एयर जो होता है उनके बॉडी के बाहर भी आता है. दिस ओपनिंग्स लीड टू ए सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्राकिया. तो वो जो ट्राकिया होता है वो क्या मतलब ट्यूब्स की तरह बना होता है जिधर से एयर बॉडी से उधर जाता है, ठीक है. तो ऑक्सीजन जो होता है वो स्पाइरिकल से ट्राकिया तक कैसे जाता है, मतलब जो ट्यूब होता है उसी तरह से जाता है वहाँ से, तो उसको क्या बोलते हैं ट्राकिया बोलते हैं. समझ में आ गया. द ट्राकिया डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इंटू ब्रांचेस एज दे पास थ्रू द बॉडी. मतलब वो जो ट्राकिया होता है वो मतलब बहुत सारे सब डिवाइड्स होते हैं, मतलब देखिए यहाँ से गया फिर इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट उधर चला गया, फिर ये पार्ट इधर उधर, मतलब ऐसे करके बहुत सारे पार्ट में वो फैला होता है, ठीक है. तो एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नेटवर्क. तो एयर जो होता है वो जो मतलब स्पाइरिकल्स में घुस जाता है फिर वो जो ट्यूब के अंदर जाके पूरे बॉडी पे जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्राकिया बोलते हैं, ठीक है. तो ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. तो ऑक्सीजन वो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ देता है, ठीक है. इंसेक्ट्स ब्लड इज नॉट रेड, इट कलर एज इट्स डज नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन. तो जो इंसेक्ट होते हैं उनके बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है. जो हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में है इसीलिए हमारा ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है. लेकिन ये जो इंसेक्ट होते हैं उनके ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं होता है इसीलिए उनका ब्लड का कलर रेड नहीं होता. इसको आपको पूरा अच्छे से याद रखना है कि बॉडी में रेड का ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है. तो व्हिच इज ऑक्सीजन कैरिड इन हायर एनिमल, मतलब क्या जो मतलब ऑक्सीजन मतलब क्या दिया है, तो हेमोग्लोबिन व्हिच इज ऑक्सीजन कैरिड इन हायर एनिमल, मतलब जो बड़े बड़े जानवर होते हैं जैसे हमारे जैसे जानवर या फिर टाइगर बफालोस, उनके उनके बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसमें भी हेमोग्लोबिन का मतलब हेमोग्लोबिन उनके ब्लड के अंदर होता है, ठीक है. द ऑल एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टैडपोल ब्रीद थ्रू ग्रीस. तो जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे बड़े बड़े मछली, क्रैब्स, टैडपोल, तो उनका क्या होता है वो किसे अपना ब्रीथ करते हैं, गिल्स से, ठीक है, गिल से करते हैं. देखो ये आपको आपको ड्राइवर में दिखा भी, कभी मच्छी खाएंगे तो देखना कि जब मच्छी होता है तो इसको निकाल देते हैं, ठीक है, गिल्स को निकाल देते हैं. थोड़ा रेड रेड कलर का, ब्राउन ब्राउन कलर का दिखेगा तो उससे वो अपना क्या करता है और वाटर से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है. जस्ट बिलो द गिल्स साइड आर द गिल्स ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, मतलब वो हेड के एक साइड पे होता है, ठीक है, अंडर ए कवर कॉल्ड ऑपरकुलम, ठीक है. जो ऑपरकुलम होता है
मतलब देखिए ये जो फिश है ये उसका फेस है ठीक है, इसके ऊपर एक कवर होता है जो मतलब मच्छियों की जिंदा है तो उसका ऐसे 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 होता है ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरकुलम बोलते हैं, जो गिल्स को कवर करता है। ये भी आपको याद करना है कि गिल्स को कौन कवर करता है, ऑपरकुलम ठीक है। तो फिर ईच गिल इज मेड ऑफ ऑफ ए नंबर ऑफ गिल्स फिलामेंट, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 ऐसे फिलामेंट्स हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, गिल्स फिलामेंट बोलेंगे ठीक है। दीज आर रेड इन कलर ड्यू टू अबाउंडेंट ब्लड सप्लाई ठीक है, तो मतलब ये इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ब्लड का सप्लाई होता है इसीलिए इसका कलर रेड होता है ठीक है, समझ में आया। तो क्या दिया है अच्छे से फिर से समझ लीजिए, इसका कलर रेड क्यों है, क्योंकि इस मतलब अबाउंडेंट ब्लड सब मतलब ब्लड जो होता है इससे बहुत सारा जाना आना होता है इसीलिए उसका कलर रेड ठीक है। आज वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स एक्सचेंज ऑफ गैस टेकन प्लेस, मतलब जो मतलब वाटर से जो होता है क्या, वाटर जो फ्लो करता है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है ये गिल्स की तरह उसकी बॉडी पे चला जाता है ठीक है। फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, तो फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन होता है, मतलब क्या होता है वो क्या, मतलब लैंड में भी हो सकता है पानी में भी हो सकता है ठीक है। ए टैडपोल मतलब जो बेबी फ्रॉग है वो ब्रेस्ट थ्रू इस गिल, जो मतलब टैडपोल मतलब जो छोटा फ्रॉग होता है वो कैसे अपना वृद्धि करता है, गिल्स से ठीक है। एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू दैट लंग्स ठीक है, तो जो बड़ा बड़ा टैड मतलब बड़ा बड़ा जो फ्रॉग होता है वो किससे अपना ब्रीथ करता है, लंग्स से, जो छोटा होता है वो गिल्स से करते हैं ठीक है। ऑन द लैंड तो ठीक है, तो वो लैंड पे रहते हैं, कौन जो फ्रॉग होता है वो लैंड में ही ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन वो जो मतलब छोटे छोटे आपने देखा होगा कि मेंढक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं काला काला फिश छोटे छोटे फिश की तरह वो पानी में ही रह सकते हैं ठीक है। अंडर वाटर इट्स ब्रेथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन ठीक है, अगर वो पानी के अंदर कभी है तो आपने देखा होगा जो मतलब वो फ्रॉग का जो मतलब पिछले वाला हिस्सा मतलब उसका जो चमड़ी होगा बहुत मतलब मॉइस्ट मतलब क्या थोड़ा भीगा हुआ हमेशा लगता है कि नहीं, तो उससे वो अपना ब्रीदिंग करता है जो पानी के अंदर होता है तो ठीक है। फिर अभी क्या दिया है, ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब और जो मतलब हर जो मैमल्स होते हैं, हम भी मैमल्स हैं कि नहीं ठीक है, तो हम जो मैमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स मतलब ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एडल्ट एम्फीबियंस ब्रेथ थ्रू लंग्स, जो जो बर्ड्स होते हैं मैमल्स होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं एम्फीबियंस होते हैं वो सब क्या सब मतलब एडल्ट एम्फीबियन मतलब जो छोटे छोटे एम्फीबियन होते हैं वो मतलब लंग्स से ब्रीथ नहीं करते हैं, लेकिन जो एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं वो लंग से अपना ब्रीथ करते हैं ठीक है, समझ में आ गया। तो हम कहाँ से अपना ब्रीथ करते हैं, लंग्स से। ह्यूमन हैव टू लंग्स, तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि ह्यूमन का टू लंग्स है ठीक है, तो द ह्यूमन्स हैव टू लंग्स वन ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट, मतलब देखिए यहाँ पे हमारा हार्ट होता है ठीक है, हार्ट के दोनों तरफ हमारा क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है ठीक है। द लंग्स आर स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स, मतलब क्या वो बहुत स्पॉन्जी, आपने कभी स्पॉन्ज को पकड़ा है जिसमें पानी बहुत सॉक कर लेता है, पकड़ा है कभी स्पॉन्ज को, जैसे स्पॉन्ज जैसे नहीं है ऐसे पूरा ऐसे दबाने से उसका अंदर का पानी पूरा निकल जाता है, वैसे ही जो लंग्स होता है वो भी हमारा एक स्पॉन्जी इलास्टिक बैग जैसे होता है ठीक है। द लंग्स हैव टीनी ट्यूब्स इनसाइड देम कॉल्ड ब्रोंकी ठीक है, जो लंग्स के अंदर छोटा 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 क्या होता है, ट्यूब होता है ठीक है, जिसको मतलब आपने कभी डेयरी मिल्क का बबली खाया है, वो जो बबली के अंदर जैसे फूटा 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 नहीं होता वैसे लंग्स के अंदर भी वैसे फूटा 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 होता है ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एयर पॉकेट्स ठीक है, और उसके अंदर क्या मतलब वो जो ब्रोंकी होते हैं उसके अंदर पूरा एयर फिल होकर रहता है ठीक है। ब्लड्स कम टू द लंग्स थ्रू टीनी ब्लड वेसल, तो जो ब्लड होता है वो लंग्स में कैसे आता है, जो मतलब हमारा जो होता है ब्लड वेसल होता है उससे ब्लड अंदर आता है लंग्स के अंदर ठीक है, कि उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, तो आपको याद रखना होगा कि ब्रोंकी किसको बोलते हैं, कैपिलरीज किसको बोलते हैं, कैपिलरीज किसको बोलते हैं, जो लॉन्ग ट्यूब होगा ब्लड ट्यूब होगा उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज ठीक है, और जो छोटा छोटा ट्यूब्स होगा उसके अंदर टीनी टीनी ट्यूब्स उसको बोलेंगे ब्रोंकी, समझ में आ गया। फिर व्हेन वी इनहेल थ्रू नोज, मतलब जब हम इनहेल करते हैं नोज से द एयर गोज टू द लंग्स व्हिच एक्सपांड ठीक है, तो जब हम एयर लेते हैं तो वो लंग्स में चला जाता है इसीलिए हमारा लंग्स फूल जाता है ठीक है। आप देखते होंगे कि जब आप एयर लेते हैं तो आपका पेट थोड़ा फूल जाता है, फिर आप जब निकालते हैं तो फिर हमारा पेट थोड़ा पीछे आ जाता है ठीक है।
हियर एक्सचेंज ऑफ गैस टेकिंग प्लेस। तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो लंग्स होता है वो पूरा फूल जाता है, ठीक है, इसलिए हमारा पेट भी थोड़ा फूल जाता है। तो लंग्स जब फूल जाता है, ठीक है, तो मतलब वो बहुत सारा एयर अपने अंदर शॉक कर लेता है, ठीक है, फिर वो ऑक्सीजन को मतलब जो ऑक्सीजन और मिला हुआ हम जो एयर लेते हैं उसको प्योर कर लेता है, ठीक है, पहले प्योर कर लेता है, फिर ऑक्सीजन, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको निकाल देता है। समझ में आ गया। द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो ब्लड होता है लंग्स के अंदर जो ब्लड होता है वो क्या करता है, वो जो मतलब एयर से क्या करता है, ऑक्सीजन को निकाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको निकाल देता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है। व्हेन वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड इन इट लेट आउट एट द एटमोस्फेयर। तो हम जब एक्सहेल कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल, तो एनिमल क्या खाते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल्स ईट फूड सो दैट दे गेट एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। मतलब एनिमल भी हमारी तरह खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होता है, उनको हेल्दी रहना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, तो डिफरेंट एनिमल डिफरेंट खाना खाते हैं, आपको पता ही है। जैसे कि आपको यही एग्जाम्पल, तो हर्बीवोरस देखिए, कार्निवोरस देखिए, तो ये क्या पेड़ पौधा तो खाता है गोट, लेकिन जो टाइगर होता है वो मांस खाता है, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, देयर फीडिंग हैबिट्स एंड द शेप ऑफ देयर माउथ्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो उनका जो मतलब मुंह का शेप होता है, मतलब उनका जो टीथ होता है वो सब अपना मुंह का मतलब उनका जो फेस होता है वो कैसे दिखता है, उनकी खाने की तरह, ठीक है। आपने देखा होगा कि टाइगर का जो नुकीला नुकीला दांत होता है, नुकीला नुकीला दांत क्यों होता है, क्योंकि वो उनको क्या होता है, उनको नॉनवेज क्या करना होता है, चबाना होता है, ठीक है। तो अगर उनका दांत शार्प नहीं होगा तो वो ऐसे मतलब अच्छे से सॉ नहीं मतलब चबा नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे खाना को डाइजेस्ट, ठीक है, चॉ नहीं कर पाएंगे अच्छे से। लेकिन जो मतलब गोट होते हैं उनको क्या पेड़ पौधा ही खाना होता है तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है कि नहीं, समझ में आया। इसीलिए उनका दांत नुकीला होता है, ठीक है। तो द हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स, तो हर्बीवोरस किसे बोलते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, लाइक काउ, गोट, बफालो, डियर एंड जिराफ, इट ओनली प्लांट। तो ये जो एनिमल होता है वो सिर्फ क्या, सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ टीथ फॉर चॉम, ठीक है। तो उनका जो पहले मतलब उनका जो फ्रंट टीथ होता है वो क्या होता है, थोड़ा शार्प होता है, ठीक है, जैसे वो मतलब चीज़ को छीन सके, मतलब पेड़ के सब पत्ता को खींच सके, ठीक है। फिर उनको बाइंडिंग करने के लिए कि उनका जो दांत होता है वो ग्रोड होता है, ठीक है, चॉम करने के लिए, ठीक है। द कार्निवोरस मतलब जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ईटर्स लाइक लायन, कैट, टाइगर्स एटसेट्रा फीड ऑन द फ्लैश ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है। दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड टीथ इन फ्रंट ऑफ टीयरिंग फ्लैश, ठीक है। तो उनका जो दांत होता है वो बहुत नुकीला होता है, क्योंकि उनको फ्लैश खाना होता है, टी मतलब फ्लैश को होता है जो फाड़ना होता है, वो फाड़ के खाते हैं, ठीक है। रुको, तो समझ में आ गया। तो फिर देखते हैं, दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू चॉ द बोन, तो मतलब उनको बोन भी चबाना होता है, तो इसीलिए उनका दांत जो होता है वो क्या मतलब बहुत मतलब मजबूत होता है, नुकीला होता है और स्ट्रॉन्ग, उनको जो अंदर का दांत जो होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो फिर द रोडेंट लाइक रैट्स, रैबिट एंड स्क्विरल्स ग्रॉन देयर फूड्स लाइक सीड्स एंड नट्स, मतलब क्या मतलब वो जो मतलब रोनेट्स लाइक मतलब जो रैट्स होते हैं, स्क्विरल होते हैं, वो क्या मतलब क्या खाते हैं, वो जो सीड मतलब सीड होता है वो खाते हैं, बादाम काजू वो सब वो खाते हैं, ठीक है। दे हैव स्मॉल बट शार्प फ्रंट टीथ, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो दांत होता है, उनका जो फ्रंट टीथ होता है, उनका दांत जो होता है बहुत ही शार्प होता है, ठीक है। मतलब वो बॉडी आसानी से मतलब कुछ चीज़ को मतलब क्या छोटे छोटे कर सकते हैं। आपको पता है कि माउस का दांत कितना मतलब फास्ट होता है, तो उनका जो फ्रंट टीथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा काम का होता है, ठीक है। द ओमनीवरस लाइक ह्यूमंस बींग्स एंड क्रो बियर इटीसी, मतलब क्या ओमनीवरस मतलब क्या, जो नॉन वेज भी खा सकते हैं, वेज भी खा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब द ओमनीवरस लाइक ह्यूमन बींग्स क्रो बियर्स इटीसी, तो मतलब वो जो ओमनीवरस होते हैं फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, मतलब जो हम क्या होते हैं, हम अपने खाने के लिए प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और फ्लैश के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। द बर्ड्स हैव ब्रीक्स एंड क्लॉज
स्वीटेड टू देयर टाइप्स ऑफ फूड। तो वो जो बर्ड्स होते हैं उनका क्या मतलब, देखिए बिक्स मतलब क्या, ये देखो मतलब उनका जो ये वाला आगे वाला होता है वो क्या डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि एनिमल्स मतलब जैसे जैसे बर्ड होते हैं जो जो खाते हैं उनके हिसाब से ही ये उनका चेंज होता है, ठीक है। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिक्स फॉर कैचिंग देयर, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स का डिफरेंट डिफरेंट बिक्स होता है, ठीक है। सम बर्ड्स हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू कैप्चर देयर प्रे। तो मतलब जो किसी किसी का बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे कोई बड़ा बड़ा मछली खा जाता है, कोई कोई छोटा छोटा पक्षी खा जाता है, ठीक है। द फ्लेश ईटिंग बर्ड्स लाइक हॉक, ओल, ईगल एंड काइट हैव शार्प हुक्ड बीक एंड क्लॉज टू कैच द टियर द फ्लैश। तो उनका जो होता है, उनका जो नाखून होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है, और उनका जो बीक होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जो मतलब क्या जो फ्लैश को टियर करने में उनको हेल्प करता है, ठीक है। द स्पैरोज हैव शॉर्ट एंड लॉन्ग बीक्स फॉर क्रशिंग द शिव। तो मतलब वो जो मतलब तो क्या होता है, जो स्पैरो होता है उनका जो बीक्स होता है वो क्या बहुत मजबूत होता है और वो छोटा भी होता है, जैसे कि वो शीड को मतलब वो जो शीड को छोटे छोटे हिस्सों में करके खा सके, ठीक है। द इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड ग्रास ओपर हैव स्ट्रॉन्ग बाइटिंग एंड चॉइंग माउथ ऑर्गन, ठीक है। जो कॉकरोच होते हैं और जो ग्रास ओपर होते हैं उनका क्या, उनका जो मतलब जो चॉइंग होता है माउथ का वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कैसे होता है, द मॉस्क्यूटर एंड बग्स हैव पियर्सिंग माउथ ऑर्गन फॉर शॉकिंग ब्लड। तो वो जो मॉस्क्यूटो होता है और जो बग होता है वो क्या आपको पता है खून चूस लेते हैं, ठीक है। तो उनका आपने देखा होगा ऐसा एक नुकीला तरह का एक होता है जिससे वो अंदर घुसा के अपना ब्लड क्या क्या करते हैं शॉक कर लेते हैं, ठीक है। दो द हाउस फ्लाइज हैव ए स्पंजी पैड लाइक टॉन्ग, ठीक है। जो हाउस फ्लाई होता है उनका मतलब क्या, उनका जो टॉन्ग होता है वो क्या स्पंजी पैड लाइक होता है, ठीक है। और बटरफ्लाई जो होता है, एंड द बटरफ्लाई एंड बीज हैव लॉन्ग कॉइल्ड शॉकिंग टॉन्ग एंड ट्यूब कॉल्ड प्रोबोक्सिस, ठीक है। ये आपको याद रखना है ये पूरा वर्ड प्रोबोसिस, ठीक। एम्फीबियंस जो होते हैं लाइक फ्रॉग हैव ए स्टिकी टॉन्ग, उनका जो होता है उनका जो टॉन्ग होता है वो क्या बहुत स्टिकी होता है, बहुत मतलब जो बहुत ब्लू उनका जो टॉन्ग होता है वो होता है, जैसे वो कुछ भी इंसेक्ट को पकड़ ले तो अपने टॉन्ग की तरफ खींच देते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल हैव डेवलप्ड डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्स। तो हर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के पास डिफरेंट डिफरेंट लिम्स होता है चलने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि फॉर गेटिंग देयर फूड, मतलब क्या कोई चलता है अपने फूड के लिए, फॉर बिल्डिंग देयर होम्स कोई चलता है अपने घर बनाने के लिए, और मतलब क्या हम लोग ज़्यादातर किस लिए चलते हैं कि हमको कुछ खाना चाहिए होता है, हम कहीं रहने जा रहे हैं, तो फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, हमको अगर किसी मतलब हमारा कोई एनिमीज आ गया तो उससे प्रोटेक्ट होने के लिए, और हार्श वेदर और अनफेवरेबल सिचुएशन। तो कभी अगर कुछ भी अनफेवरेबल कुछ सुनामी आ गया, भूकंप आ गया तो हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट, तो हमारा क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं जो हमको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। मैंस इज द मोस्ट डेवलप्ड अमंगेस्ट ऑल द एनिमल्स, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके सबसे ग्रेट कौन है, मैन ही है, ठीक है। ही वर्क ऑन टू हैंड लिम्स कॉल्ड क्या द लेग्स। तो ये जो हैंड्स लिम है इससे हम चलते हैं, आपको पता है आपका तो पैर होगा ही, तो पैर से हम लोग चलते हैं, ठीक है। एंड यूजेस द फोर लिम्स मतलब क्या हमारा जो हाथ होता है, ठीक है, फॉर कैचिंग मतलब कैच पकड़ने के लिए, होल्डिंग के लिए, डूइंग वेरियस अदर एक्टिविटी, तो बहुत सारे चीज़ करने के लिए हम अपना हाथ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही यूजेस ओनली वन पेयर ऑफ लिम्स लेग्स टू सपोर्ट हिज बॉडी। तो क्या दिया है, ही यूजेस ओनली वन पेयर ऑफ लिम्स, मतलब वन पेयर मतलब क्या, दो, वन पेयर का मतलब क्या होता है, दो। तो उससे हम लोग क्या, हम लोग पूरा खड़े होते हैं अपने दो पैरों पे, ठीक है कि नहीं। दैट इज़ वाई ही हैज़ एन इरेक्ट पोस्चर, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या बॉडी एक मतलब एक खड़ा हुआ सा है हमारा बॉडी, हम झुके नहीं हैं अपने पैरों पे, अपने खड़े हो रहे हैं, ठीक है। ही यूजेस हिज लेग्स टू स्टैंड, वॉक और रन, मतलब हमारा जो लेग होता है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, स्टैंड रहने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, लाइक मैन, मंकी, एप्स, गोरिल्लास एंड मेनी अदर एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो यूज देयर फोर लिम्स। तो हमारे जैसे मंकी, एप्स, गोरिल्लास और बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो अपना फोर लिम का इस्तेमाल करते हैं किसी किसी कैचिंग करने के लिए, होल्डिंग करने के लिए, खाने के लिए, ग्रिपिंग के लिए और कुछ भी, ठीक है। द फोर लिम्स ऑफ द मंकीज
आर मोडिफाइड सो दैट दे कैन ग्रिप द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज वेल एंड स्विंग क्विकली. ठीक है, तो उनका जो फोर लीव्स होता है, जो मतलब मॉकी ब्लो का मतलब होता है फोर लीव, वो मतलब क्या होता है, इतना मतलब ऐसा बना हुआ होता है कि वो आराम से मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जंप कर सकते हैं. ठीक है, जो मतलब क्या दिया है, फ्रंट टू लीव्स आर कॉल्ड फोर लीव्स. तो उनका जो आग मतलब आगे का दो होता है उनको फोर लीव्स बोलते हैं, जो पोच पीछे का होता है उनको हैंड लीव्स बोलते हैं. जैसे कि एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्स, एलिफेंट. ठीक है, तो वो मूवमेंट करने के लिए अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आगे दो होता है वो फोर लीव होता है, जो पीछे का होता है वो हाइंड लीव होता है. तो फिर क्या दिया है, द फिश मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स. तो उनका जो फाइंस होता है उससे वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं. कौन, जो फिश होता है. ठीक है, फ्रॉग हैव वेब टोज टू सिंग. तो उनका जो टोज होता है आपने देखा होगा, ऐसे अपना टोज होता है, फिर यहाँ पे ऐसा 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 होता है, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, तो उससे वो क्या स्विम कर सकते हैं. ठीक है, बट ऑन लैंड दे जंप्स विद द हेल्प ऑफ दैट लॉन्ग हाइंड लेग. तो और मतलब जो जो नीचे वाला दो पैर होता है उससे मैं क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह से जंप कर सकते हैं. ठीक है, और उनका जो ऐसे ऐसे हाथ होते हैं उससे वो आराम से स्विम कर सकते हैं. ठीक है, द टर्टल हैव पैडल लाइक लिम्स, पेंगुइन यूज देयर फोर लिम्स एज फ्लिप टू स्विम इन वाटर. तो आपको ये समझ में आया, तो आपको बस याद रखना है कि कौन सा एनिमल कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मूव करता है. ठीक है, जो रेप्टाइल्स लाइक लीजर, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल्स हैव लिम्स. ठीक है, तो वो जो ऐसे होते हैं उनका क्या होता है, लिम्स होता है. ठीक है, पर स्नेक जो होता है उनका लिम्स नहीं होता. आपको पता है स्नेक हैव नो लिम्स बट दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द स्केल्स ऑन देयर बॉडी. ठीक है, उनका जो बॉडी का जो ये स्केल होता है, मतलब पूरा जो स्केल्स ये जो होता है उससे वो मूवमेंट करते हैं. ठीक है, द इंसेक्ट क्रॉल बाय मीनिंग ऑफ देयर लेग्स. इंसेक्ट्स हैव देयर थ्री पेयर ऑफ लेग. तो इंसेक्ट जो होते हैं उनका क्या थ्री पेयर ऑफ लेग होता है. इंसेक्ट लाइक आंट्स, बीटल एंड कॉकरोच वर्क विथ देयर लेग्स. ठीक है, तो आपको पता है कैसे कैसे उनका लेग्स होता है. तो अब हम देखेंगे कि जो ग्रास ऊपर यूज देयर लेग्स फॉर कुकिंग. ठीक है, जो ग्रास ऊपर होता है वो क्या एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने के लिए उसको क्या करता है, अपना लेग्स का इस्तेमाल करता है. ठीक है, द इंसेक्ट लिविंग इन द वाटर यूज द लेग्स as oars by swimming. ठीक है, तो इंसेक्ट जो होता है वो वाटर में जो रहते हैं, जो इंसेक्ट पानी में भी, कोई भी इंसेक्ट होता है आपने देखा होगा जो पानी में भी थोड़ा बहुत तैरते हैं, तो वो अपना पैर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, मोस्ट इंसेक्ट हैव विंग्स. तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं आपको पता है उनका विंग्स होते हैं. ठीक है, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द विंग्स ऑफ अ बर्ड. तो बर्ड्स का जैसे विंग्स होता है उससे पूरा उनका जो इंसेक्ट का विंग्स होता है वो पूरा का पूरा अलग होता है. ठीक है, देयर विंग्स आर मेड अप ऑफ मिनट कलर स्केल्स. तो उनका जो मतलब आपने देखा होगा कि आप अगर एक बड़ा सा जो आप देखिए ये तितली ही देख लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक कलर का लाइन खींचा हुआ है उसी को हम स्केल्स बोलते हैं. ठीक है, तो लेकिन क्या दिया है, देयर विंग्स आर मेड अप ऑफ मिनी कलर स्केल. तो इनका जो स्केल्स होता है वो डिफरेंट कलर का होता है. जैसे कि लाइस, बग्स एंड टर्मिट्स हैव नो विंग्स एट ऑल. तो इनका जो होता है विंग्स नहीं होता, दे मूव विद देयर लेग्स. तो वो जो होते हैं वो कैसे जाते हैं, अपने लेग्स की तरफ लेग्स से जाते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइग्रेशन एमोंग एनिमल. ठीक है, तो मतलब माइग्रेशन एमोंग एनिमल मतलब क्या, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते हैं. ठीक है, टू अवॉइड द अनफेवरेबल क्लाइमेटिक चेंज. मतलब देखिए कभी हमारा अगर यहाँ पे अभी भूकंप आ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, तो हम अपने गांव पे चले जाएंगे या फिर कहीं और जगह जाएंगे जहाँ पे हम लोग सेफ होते हैं. वैसे एनिमल लोग भी जहाँ पे अपने को सेफ नहीं महसूस करते वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं. ठीक है, some animals migrate from one place to another and come back to their original home when the weather condition become favorable again. मतलब देखिए अब हमारा यहाँ पे मैंने घर बनाया है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा भूकंप हुआ तो मैंने अपने गांव चला गया. ठीक है, तो फिर गांव से जब मतलब यहाँ पे सब जब यहाँ पे सब ठीक होगा तब मैं फिर गांव से यहाँ पे चली आऊँगी. ठीक है, हमेशा तो गांव में रहेंगी. तो ऐसे ही बर्ड्स भी अब करते हैं, क्या करते हैं, अपना घर छोड़ के चले जाते हैं. जब सब कुछ फिट है सही हो जाता है फिर वो अपने घर वापस आ जाते हैं. ठीक है, तो द शॉर्ट ऑफ द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक इज कॉल्ड माइग्रेशन. तो आपको समझ में आ गया माइग्रेशन किसे बोलते हैं. द ग्रेटेस्ट माइग्रेटर इज द आर्टिक टर्न. जो आर्टिक टर्न होता है वो सबसे ज़्यादा माइग्रेट करता है. ठीक है, द ईच ईयर इट्स स्पेंड द समर इन द
आर्टिक एंड देन इट द अंटार्कटिक, ठीक है ठीक है। तो क्या दिया है जो मतलब अंटार्कटिक टर्म्स होते हैं, मतलब एक तरह का बर्ड्स होते हैं जो मतलब कि अंटार्कटिक में रहते हैं, वो क्या करते हैं, ईच ईयर इट स्पेंड द समर इन द आर्टिक, मतलब क्या होता है वो जो वो होते हैं वो समर कहाँ पे आर्टिक में बिताते हैं एंड देन इन द अंटार्कटिक, तो फिर अपने घर अंटार्कटिक में आ जाते हैं, ठीक है। इट्स फाइल्स बैक टू द अंटार्कटिक आफ्टर अ जर्नी ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, तो वो अपने मतलब अपना जो जर्नी है वो पूरा खत्म करके फिर अपने घर वापस आ जाता है, ठीक है। तो इन अफ्रीका वाइल्ड बीस्ट एंड अदर ग्रेज्ड माइग्रेट इन द लार्ज नंबर व्हेन एवर द एरिया इन विच दे आर लिविंग बिकम पोअर इन प्लांट एंड फूड, मतलब देखिए जो मतलब जो होता है जो बीस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं उनका जो खाना होता है एक जगह से ख़त्म हो गया होता है तो फिर क्या करें, अगर हमको यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा तो हम दूसरी जगह पे चले जाएंगे खाना खाने के लिए, तो वो भी वैसे ही करते हैं, अगर उनका एक जगह पे खाना खा रहे हैं तो वो ख़त्म हो गया तो वो भी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। तो द एंड ईल इज वन ऑफ द बेस्ट नोन माइग्रेटरी फिश, जो ईल होता है वो बेस्ट माइग्रेटरी फिश में गिना जाता है, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट करता है। इट स्पेंड इट्स लाइफ इन फ्रेश वार्म फ्रेश वाटर अंटिल एडल्ट, मतलब वो बड़े होने तक वो क्या करता है फ्रेश वाटर में अपना क्या गुजारा करता है, ठीक है। देन ट्रैवल टू द सैरगो सी इन नॉर्थ अंटार्कटिक टू ब्रीड, मतलब फिर वो अपना जो मतलब क्या अपना नंबर बढ़ाने के लिए वो कहाँ जाता है अटलांटिक चला जाता है, ठीक है, जो सारागोसो सी होता है वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। द लूकस्ट इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ माइग्रेटरी इंसेक्ट, द लूकस्ट जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, वो हमारा पता है आपका जो मतलब हमारा जो लैंड होता है हमसे जो फसल क्या होता है वो उसको ख़राब कर देता है लूकस्ट जो होता है, ठीक है। अब दिया होगा देखिए, ह्यूज स्वार्म्स ऑफ लूकस्ट स्प्रेड अक्रॉस फार्म लैंड एंड कॉज हेवी डैमेज टू द क्रॉप्स, तो ये जो होता है लूकस्ट वो हमारा क्रॉप्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर लेता है, ठीक है। मुनराज बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम कैनेडा टू मेक्सिको, ये आपको पूरा अच्छे से याद रखना है कि मुनराज बटरफ्लाई जो होता है वो माइग्रेट कहाँ से करता है, ठीक है, कनाडा से मेक्सिको तक वो माइग्रेट करता है। इन विंटर द नॉर्थन रीजन ऑफ रूशिया बिकम्स टू कोल्ड, मतलब जब विंटर का सीजन जब आता है तो रसिया जो होता है नॉर्थ रसिया वो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो फॉर मैनी बर्ड्स, ठीक है, तो मतलब जो बर्ड्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लग जाती है। द बर्ड्स विच लिव्स देयर माइग्रेट टू वार्म लैंड लाइक इंडिया ड्यूरिंग विंटर, तो उनको वहाँ पे ठंडा रहता है तो क्या वो इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या थोड़ा ज़्यादा गर्मी होता है, मतलब ज़्यादा मतलब क्या मतलब सही सलामत गर्मी होता है जिससे किसी को भी बुखार नहीं पहुँचेगी, ठीक है कि नहीं। द यूरोपियन स्टॉक माइग्रेट्स फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एवरी विंटर, जो यूरोपियन स्टॉक होते हैं वो माइग्रेट कहाँ से कहाँ तक करते हैं, यूरोप से अफ्रीका तक करते हैं विंटर के सीजन से, ठीक है। व्हेन स्प्रिंग कम्स इट डज नॉट लॉन्ग रिटर्न जर्नी, ठीक है, जब वो स्प्रिंग्स हो जाता है फिर वो अपने घर वापस आ जाते हैं, समझ में आ गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए।